नमस्कार, क्या हालचाल है आप सभी लोगों का। मैं सर्वेश त्रिपाठी आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार परीक्षा प्लस में। जैसा कि आपको पता है कि हम बिहार से रिलेटेड आपके बिहार के जीके से जितने भी रिलेटेड आपके क्वेश्चन थे उन सारे क्वेश्चन को हम पढ़ते हुए आ रहे थे। तो आपको पता है कि अभी बिहार का सिलेबस भी आउट हो गया है, तो सिलेबस भी आउट हो गया अगर बिहार का, तो सिलेबस के हिसाब से अगर हेडमास्टर का देखा जाए सिलेबस, तो बिहार के हेडमास्टर के सिलेबस में बिहार के जीके को भी अप्लाई किया गया था। तो अभी अगर आपका नोटिफिकेशन आ जाता है तो उसमें और भी क्लियर हो जाएगा। लेकिन इंपॉर्टेंस तो अगर कहा जाए तो इंपॉर्टेंस तो आपके बिहार के भी जो आपके और भी बिहार के रिलेशन में जो जीके है, उस बिहार के रिलेशन में जीके की बारे में बात करी गई थी। तो जरूर, जाहिर सी बात है, इससे बिहार के परिपेक्ष में क्वेश्चंस तो जरूर आएंगे। तो इसके पहले हमने बिहार का एक थोड़ा सा मैप के ओवरव्यू को देखा था। मैप का पूरा अगर मूल्यांकन करने के बाद, हम जब लोग मैप पे मूल्यांकन के बाद हम लोग आए थे, तो बिहार की स्थापना के बारे में हमने बात किया था कि बिहार की स्थापना कहां होती है। बिहार की स्थापना के बाद हमने बिहार से और भी चीजें संबंधित जो चीजें होती हैं कि उनके कितने जिले हैं, उन जिलों में कितने आपके इनके कितने जिले आपके किस किस जगह पे हैं, नॉर्थ में कौन सा है, पूर्वोत्तर में कौन है, सबसे पूर्वी छोर कौन है, सबसे दक्षिणी छोर कौन सा है, सबसे उत्तरी छोर कौन सा है, या और सबसे आपका पश्चिमी छोर कौन सा है। तो ये सारी चीजों को हमने एक एक करके पिछले वीडियो में आपको कवर किया था। आज की वीडियो में अगर मैं बात करूं तो आज की वीडियो में आपको क्या पढ़ना है और आज की वीडियो में आपको क्या देखना है, तो आपको मुख्यतः अगर मैं बताऊं तो यहां पे हम बिहार की जनसंख्या के बारे में बात करेंगे। जो आपकी बिहार की जनसंख्या से जितने आपके क्वेश्चंस मिलते हैं, जितने आपके क्वेश्चंस मिलेंगे और जितने आपके क्वेश्चन बन सकते हैं, उन सारे बिहार की जनसंख्या के क्वेश्चंस को देखेंगे। बिहार के जनसंख्या के क्वेश्चंस से के साथ साथ हम बिहार के प्रशासनिक विभागों के भी चीजों के बारे में देखेंगे कि बिहार के प्रशासनिक चीजों के बारे में भी और चीजों को समझेंगे। तो बिहार के प्रशासन के बारे में भी थोड़ा सा हम एक कह सकते हैं इसके बारे में ओवरव्यू लेंगे। ओवरव्यू मतलब इसके बारे में थोड़ी सी एक चीजों को समझेंगे जिस तरीके से आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको यहां पर पता चलेगा कि पहला क्वेश्चन आपका देखना है, वहां पर मैंने आपको 6 क्वेश्चन कराए थे और 7वें क्वेश्चन से हम लोगों को करना है, यानी सवाल नंबर 7 है आपका। सवाल नंबर आपका 7 क्या कह रहा है? कह रहा है कि बिहार की कुल जनसंख्या कितनी है, ये जबान पे होनी चाहिए आपकी, कि बिहार की जनसंख्या कितनी है ये आपके जबान पे होनी चाहिए। तो बिहार की जनसंख्या सीधा सीधा आपको देखना है और सीधा सीधा आपको कहना है 10 40 99 452, किसी मोबाइल नंबर की तरह इसको याद कर लीजिए, 10 40 99 452, ये होता है आपका बिहार की जनसंख्या। बिहार की कुल जनसंख्या क्या होती है आपकी, 10 99 452। आगे चलते हैं। अगर मैं इसमें बताऊं तो ये आपके बिहार के जनसंख्या से रिलेटेड ना, ये आपके फैक्चुअल क्वेश्चन है और फैक्ट बेस आपको पता ही है कि बीपीएससी आपके फैक्ट बेस क्वेश्चंस बहुत ज्यादा पूछता है। तो फैक्ट बेस क्वेश्चन जितने भी आपके बन जाएंगे तो इन चीजों को आप देखेंगे, इन चीजों को समझते हुए चलेंगे। चलिए बताते हैं क्या है। कह रहा है कि राज्य की कुल जनसंख्या 2011 का जो जनगणना हुआ था ना, 2011 वाली जो जनगणना हुई थी उसमें बिहार की जो जनसंख्या थी वो 10 40 99 452। देश में कैसा है, इसकी जनसंख्या का स्थान कैसा है, आपको पता भी है कि इसका जनसंख्या तीसरा स्थान है। तीसरा कैसे, पहला तो यूपी हो गया, दूसरा कौन सा हो गया आपका महाराष्ट्र, और तीसरा आपका कौन सा हो गया आपका बिहार। तो इसके बारे में ध्यान रखना है। अगर मैं राज्य की कुल जनसंख्या में पुरुष की बात करूं, यानी पुरुष जनसंख्या कितनी है, तो पुरुष जनसंख्या 5 42 78 157 क्या है, 5 42 78 157, ये आपकी पूरी की पूरी पुरुष जनसंख्या है। महिला की बात करूं मैं तो 4 98 21 295, क्या है, 4 98 21 295। मोबाइल नंबर की तरह याद कर लीजिए इसका, मोबाइल नंबर की तरह याद कर लेंगे आपको चीजें समझ में आ जाएंगी, चीजों के बारे में आप जानेंगे। 10 40 99 452 ये है, 5 42 78 157 ये है, और 4 98 21 295 ये है। तो ये आपने देख लिया। चले आगे,
भारत की कुल जनसंख्या में जो बिहार का योगदान है ना वो 8.60% है। कितना है? 8.60% की बात करता है। अगर कुल जनसंख्या की दृष्टि में बताया ही था मैंने अभी तीसरा है, तो तीसरा है तो आपका पहला उत्तर प्रदेश होगा और दूसरा आपका महाराष्ट्र हो जाएगा, ये तो मैंने अभी बताया थोड़ी देर पहले। अगर दशकीय वृद्धि की बात करूं मैं ना, तो देश में छठा स्थान है इसकी दशकीय वृद्धि में, यानी हर 10 साल पे जो इसकी वृद्धि होती है ना, इसका देश में छठा स्थान है। और ध्यान रखेंगे 25.42% इसका क्या है, ये इसका दशकीय वृद्धि है। जनसंख्या घनत्व की मैं बात करूं, हर एक वर्ग किलोमीटर पे कितना है, तो आपका 1106 आपके क्या है, व्यक्ति है प्रति वर्ग किलोमीटर पर, कौन सा है, और देश में पहला स्थान है। इसके बारे में थोड़ा सा देख लेंगे, तो ये है आपका पूरा फैक्चुअल। अगर सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कहा जाए ना, तो सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला आपका कौन सा है, पटना, बिहार की राजधानी भी है और सर्वाधिक जनसंख्या है। सर्वाधिक जनसंख्या आपकी कहां है, पटना की, तो ध्यान रखेंगे इसके बारे में। 58.38.465 सर्वाधिक जिला है, कौन सा सर्वाधिक जिला है, अधिक जनसंख्या वाली सर्वाधिक जिला है, कौन है, पटना है, ध्यान रख लेंगे। न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, शेखपुरा, कितने हैं इसमें, 6,36,342 शेखपुरा। शेखपुरा के बारे में आपने बताया था, मैंने मैप में थ्रू आपको शेखपुरा के बारे में भी पूरी तरीके से नक्शे के थ्रू मैंने बता दिया था कि कौन सी जगह कितनी है, 38 जिलों का भी मैंने विभाजन कर दिया था, 38 जिलों का भी मैंने उस तरह से आपको बता दिया था कि कहां पे कौन कौन सी जगह है, ठीक है। सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला कौन सा है, यानी सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि वाला जिला कौन सा होगा आपका, मधेपुरा। मधेपुरा दस की वृद्धि में जो सर्वाधिक जिला है ना वो मधेपुरा का है, कितना, 31.12 यानी 31.12%, ठीक है। चलिए अगर न्यूनतम की बात करूं मैं, तो गोपालगंज, ये पता है ये हमारे डिस्ट्रिक्ट से जो ना हमारे डिस्ट्रिक्ट से बहुत नजदीक पड़ता है, सिवान और गोपालगंज हमारे डिस्ट्रिक्ट से बहुत ही ज्यादा नजदीक पड़ता है, एक तरह से बिहार को टच करता हुआ है, देवरिया डिस्ट्रिक्ट पड़ता है, देवरिया डिस्ट्रिक्ट से आपका पता ही है, और देवरिया डिस्ट्रिक्ट से क्या ये कुशीनगर और पौड़रौना से टच करता है आपका, क्या ये आपका टच करता है गोपालगंज, तो मेरे डिस्ट्रिक्ट से लगभग नजदीक है, मेरे जिला से काफी नजदीक है, तो बिल्कुल बगल की बात हो जाती है। चलिए सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला है आपका शिवहर, कौन, लैंड लॉक्ड एरिया मैंने बताया था ना, ये तो आपका पश्चिमी चंपारण और सीतामढ़ी, और सीतामढ़ी के बीच में आपका क्या है, लैंडलॉक्ड एरिया है ये, तो ध्यान रहे मुजफ्फरनगर और आपके सीतामढ़ी, और सीतामढ़ी के साथ साथ पश्चिमी पूर्वी चंपारण को क्या है, पूर्वी चंपारण ने इसे पूरी तरीके से लैंडलॉक्ड कर दिया है, तो ध्यान रखेंगे ये एक ऐसा जिला है जो नेपाल से टच नहीं होता है, और क्या है सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला है ये शिवहर, ध्यान रखेंगे। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है आपका, कैमूर, कौन सा है आपका, कैमूर, जिसे भभुआ भी कहते हैं आपको पता है, 488 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर पे यहां है, और 1880 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर पे कहां पे हैं आपके, इस शिवहर में है। साक्षरता दर की अगर मैं बात करूं, 2011 की जनगणना के अनुसार साक्षरता दर क्या है आपके, लगभग 61.80% जिसमें आपके 71.20% पुरुष हैं और 51.50% कौन है, महिला हैं, ठीक है। सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है आपका, रोहतास, सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला रोहतास है आपका, 73.37%, और न्यूनतम साक्षरता वाला जिला कौन सा है आपका, पूर्णिया, जो है आपका 51.08%, तो इनके बारे में आप ध्यान रखते हुए चलेंगे। सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला जिला कौन सा है आपका, देखो सर्वाधिक पुरुष साक्षरता कहां पे है, रोहतास में, अब देख लो यहां पे सर्वाधिक आपका साक्षरता वाला जिला कौन सा है, सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला रोहतास है, और सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला जिला कौन सा है, रोहतास, सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जिला कौन सा है, रोहतास, न्यूनतम पुरुष साक्षरता वाला जिला पूर्णिया, इसके बारे में भी देख लो, न्यूनतम साक्षरता जिला कौन सा है, पूर्णिया, और न्यूनतम आपके, न्यूनतम की बात करूं तो न्यूनतम आपके महिला साक्षरता वाला जिला बस बदल जाता है आपका, वो हो जाता है आपका सहरसा, यानी न्यूनतम महिला अगर साक्षरता की बात करूं मैं तो वो बदल जाता है आपका पूर्णिया से सहरसा। लिंगानुपात क्या है, 918 हर 1000 पुरुष पे 918 महिलाएं हैं,
समझ में आया, हर 1000 पुरुष पे 918 महिलाएं हैं, इसके बारे में ध्यान रखेंगे। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है, फिर मेरे सटे हुए आ गया, ये कौन आपका गोपालगंज 1021 है, ठीक है इसके बारे में देख लेंगे। न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है आपका, मुंगेर 876, ठीक है। शिशु लिंगापात कौन सा है आपका, 0 से 6 वर्ष में 935, इसके बारे में आप देख लेंगे। सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है आपका, किशनगंज, बिल्कुल आपके किसके है, पश्चिम बंगाल से इसका है ये डिस्ट्रिक्ट, किशनगंज डिस्ट्रिक्ट किससे सटा हुआ है आपके, पश्चिम बंगाल से। न्यूनतम शिशु लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है आपका, वैशाली। न्यूनतम अगर मैं बात करूं यहां पे 971 और यहां पे 904 के बारे में बताया गया है। चलिए सर्वाधिक नगरी जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, आपको पता है सर्वाधिक नगरी वाला जनसंख्या आपका पटना है और न्यूनतम नगरी जनसंख्या वाला जिला आपका शिवहर है। शिवहर वही शिवहर जो आपका क्या है, सीतामढ़ी पूर्वी चंपारण और मुजफ्फरपुर से क्या है, लैंडलॉक्ड है। चलिए बहुत बढ़िया आगे चलते हैं। न्यू कुल जनसंख्या में ग्रामीण जनसंख्या क्या है, लगभग 18 आपको बताया ही गया था, मैंने पहली क्लास में ही बताया थी कि ग्रामीण जनसंख्या बहुत ज्यादा है यहाँ पे बिहार में, ग्रामीण जनसंख्या ज्यादा है नगरीय जनसंख्या कम है, तो न्यूनतम आपका क्या हो जाएगा, कुल जनसंख्या ग्रामीण 88.71%, बिल्कुल रहेगा ये स्पष्ट है, अगर नगरीय अगर ग्रामीण लोग ज्यादा हैं तो बिल्कुल स्पष्ट है। और 11.29% क्या है आपका, ये आपका नगरीय जनसंख्या की बात करेगा, क्या है सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत पटना में है, पटना में सबसे ज्यादा नगरीय जनसंख्या है, क्या है आपका 43.07%। और मैं बात करूं न्यूनतम नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत क्या है, समस्तीपुर 3.47%। कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति कितने हैं आपके, पूरी जनसंख्या की 10, 40, 99, 452 में मैं बात करूं तो उसमें 15.9% क्या है आपके एससी हैं, और आपके ये अनुसूचित जाति का जो सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, वो गया में सबसे ज्यादा अनुसूचित जाति वाला जिला है, ठीक है। इसी तरह से अगर मैं बात करूं सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या वाला जिला, तो ये आपको पता ही है, ये गया के बारे में बताया गया है, गया ही है आपका, इसके बारे में देख लेंगे, प्रतिशत के बारे में दिया गया है। न्यूनतम अनुसूचित जाति यानी जहां पे न्यूनतम एससी की बात करी जाएगी वो आपका शिवहर है, आ गया न्यूनतम अनुसूचित जाति बिल्कुल किशनगंज हो जाएगा, परसेंटेज में अगर देखा जाए प्रतिशत वाले में तो आपका कौन सा हो जाएगा 6.69%। कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति एसटी की अब बात होगी, एसटी में कौन है आपका 1.3%, और उसमें कौन सा है सर्वाधिक जिला जहां पे अनुसूचित जाति रहते हैं, पश्चिमी चंपारण, पश्चिमी चंपारण में क्या है सबसे ज्यादा अनुसूचित जाति वाला जिला है ये। न्यूनतम अनुसूचित जाति वाला कौन सा है आपका शिवहर, देख लो शिवहर आपका एससी भी वहां पे कम है और यहां पे एसटी भी कहां पे है शिवहर में कम है। सर्वाधिक अनुसूचित जनसंख्या में अगर परसेंटेज की मैं बात करूं तो पश्चिमी चंपारण ही है, और आपका न्यूनतम अनुसूचित जनजाति अगर मैं प्रतिशत में बात करूं तो औरंगाबाद खड़गिया और खड़गिया के साथ साथ आपका समस्तीपुर, ठीक है आगे चलते हैं। मैं बात करूं बिहार में कुल जिले कितने हैं, तो बिहार में कुल जिले आपके कितने हैं आपको पता ही 38 जिले हैं। बिहार में कितने जिले हैं आपके, बिहार में 38 जिलों की बात की गई है, यानी बिहार में कुल जिलों की संख्या आपकी कितनी है, बिहार में कुल जिलों की संख्या आपकी 38 है, ठीक है। 38 जिला को मैंने मैप के थ्रू वहां पर सारा चीज बताया था कि कहां पे कौन से जिले किस किस देश से सटे हैं, किस स्टेट से मतलब राज्य से किससे सटे हैं, दक्षिण में आपका झारखंड है, पश्चिम में आपका यूपी है, पूरब में आपका पश्चिम बंगाल है, उत्तर में आपका क्या है, उत्तर में आपका नेपाल है, तो इसके बारे में आपको मैंने बहुत अच्छे तरीके से बता दिया था। अगर नेपाल की सीमा देखो यहां पे आ ही गया, वो सारी चीजें आ गई, मैंने उसमें बता भी दिया था 7 जिले नेपाल से लगते हैं, 8 जिले उत्तर प्रदेश से लगते हैं, 8 जिले आपके 9 जिले आपके झारखंड से, 8 या 9 लगते होंगे, ठीक है आपके, सॉरी अगर मैं बात करूं, अगर मैं इनकी बात करूं यहां पे तो थोड़ा सा ध्यान दे देंगे इस चीज को, अगर मैं 7 जिलों की बात करूं तो नेपाल से कौन कौन से आपके, पश्चिमी चंपारण, वहीं पे आपके पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी हो जाता है, ठीक उसके बाद मधुबनी आ जाता है, मधुबनी के बाद सुपौल आ जाता है, सुपौल के बाद अररिया और आपका किशनगंज, ये 7 हो जाते हैं। उत्तर प्रदेश से 8 आपके रोहतास, कैमूर, बक्सर, भोजपुर, सारण, सिवान, गोपालगंज और आपके पश्चिमी चंपारण भी वहां से उत्तर में जुड़ा हुआ है। और ध्यान रखेंगे कैमूर कौन सा है, सबसे पश्चिमी छोर पे जो जिला है उत्तर प्रदेश से सटा हुआ, सबसे पश्चिमी छोर आपका कैमूर का आता है। पश्चिम बंगाल की सीमा से लगे 3 जिले कौन से आपके होंगे, किशनगंज,
तीन ही जिले हैं, पूर्णिया और आपके कटिहार, ठीक है। झारखंड की सीमा से 8 आपके भागलपुर, बांका, जमुई, नवादा, गया, औरंगाबाद, रोहतास और आपके कटिहार, 8 ही लगते हैं बिल्कुल, हाँ ठीक है। बिहार की राजधानी पटना से लगे जिले कौन से हैं आपके, यानी बिहार की राजधानी अगर पटना की बात करूं मैं तो पटना से कौन कौन से 9 जिले लगे हुए हैं आप देख लेंगे। पहला तो अरवल है, जहानाबाद, नालंदा, लखीसराय, बेगूसराय, समस्तीपुर, वैशाली, सारण और आपका कौन सा है, भोजपुर। क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा सबसे बड़ा जिला है आपका, पश्चिमी चंपारण। बिहार का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन है आपका, पश्चिमी चंपारण। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला शिवहर, और अगर सबसे उत्तरी जिला की मैं बात करूं आपको, देखो यहां पे मिल गया पश्चिमी चंपारण। सबसे दक्षिणी जिला जो आपके झारखंड से लगा है, गया हो गया। सबसे पश्चिमी जिला अभी मैंने बताया कैमूर है जो यूपी से लगा है। सबसे पूर्वी जिला आपका किशनगंज जो पश्चिम बंगाल से लगा है। राज्य की जलवायु कैसी है आपकी, मानसूनी है। सामान्य वर्षा यहां कैसी होती है आपकी, 1205 मिलीमीटर सामान्य वर्षा होती है, इसके बारे में देख लेंगे। सर्वाधिक वर्षा वाला जो राज्य है वो किशनगंज कहां है, पश्चिम बंगाल से लगा हुआ है, ठीक है। न्यूनतम वर्षा वाला जिला आपका कौन सा है, कैमूर है, रोहतास है, औरंगाबाद है, और आपका गया, जो गया कैसे है, झारखंड से लगा हुआ है। सबसे दक्षिणी छोर पर स्थित आपका क्या है, यह आपका जिला है बिहार का। सबसे गर्म स्थान भी बिहारी गया ही है। चलिए बिहार की को कुल कितने मंडल में बांटा गया है, अगर मैं बात करूं बिहार को कुल मंडल में कितने मंडल में बांटा गया है, तो ध्यान रखेंगे बिहार को अगर कुल मंडल की बात करूं मैं तो बिहार को कुल 9 मंडल में बांटा गया है। तो ध्यान रखेंगे ये बिहार के कुल 9 मंडल की बात करी गई है, ये प्रमंडल और कमिश्नरियों की संख्या, ये 9 मंडल है। कौन से आपके, कोसी, दरभंगा, सारण, भागलपुर, पटना, तिरहुत, मुंगेर, मगध और आपके पूर्णिया, समझ में आ गया। कमिश्नरियों में बांटा गया, बेसिकली इनकी कमिश्नरी कौन सी है इनकी जगह पे, तो ये 9 कमिश्नरी के थ्रू आते हैं। आपके 9 कमिश्नरी याद होने चाहिए, कोशी, दरभंगा, सारण, भागलपुर, पटना, तिरहुत, मुंगेर, मगध और आपका पूर्णिया। अनुमंडलों की संख्या आपके 101 है डिस्ट्रिक्ट लेवल की, प्रखंडों की संख्या आपके 534 हैं, पंचायतों की संख्या 8,406, पुलिस स्टेशन आपके 853 और राजस्व ग्रामों की संख्या आपके 45,103। हर चीज को एक जगह हमने कंपाइल कर रखा है ताकि अगर स्टेटिक बेस पे जितने भी क्वेश्चन बीपीएससी बना सके वो एक क्वेश्चन आपके इधर से उधर ना हो। तो इस क्वेश्चन को देख लेंगे आप। चलिए बिहार में कुल लोकसभा सीटों की मैं बात करूं तो बिहार में अगर कुल लोकसभा सीटों की अगर बात करी जाए तो यहां पे बिहार में कुल लोकसभा सीटों की अगर मैं बात करूं तो वो कितनी होती है आपकी, तो यहां देख लेंगे बिहार में कुल लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है आपकी, 40 है। बिहार में कुल लोकसभा सीट क्या है, बिहार में अगर देखा जाए तो बिहार क्या है, द्विसदनात्मक वहां पे व्यवस्था होती है, वहां पे आपका क्या होते हैं आपके, वहां पे द्विसदनी है, विधान परिषद भी है और आपका विधानसभा है, क्या है, विधान परिषद भी है और विधानसभा, यूपी की तरह ही यूपी में विधान परिषद भी है और वहां पे भी क्या है आपका विधानसभा है। 40 है यहां पे विधानसभा लोक सदस्यों की संख्या, राज्यसभा सदस्यों की संख्या यहां पे कितना है आपका 16 और लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीटों की संख्या यानी एससी के लिए कितनी है, 6 है। इसके बारे में देख लेंगे आप। विधानमंडल है, विधान परिषद, उच्च सदन और आपका निम्न सदन कौन सा होता है, विधानसभा, वही राज्यसभा और लोकसभा वाला कॉन्सेप्ट यहां पर भी चलता है। विधानसभा सदस्यों की संख्या आपके 243 हैं और आपके विधान परिषद की संख्या आपकी 75 होती हैं, ठीक है। तो ये आपके बिहार रिलेटेड जितने भी आपके स्टैटिक रहे, इसके बाद हम थोड़ा बिहार के इतिहास पे भी चलेंगे तो बिहार के इतिहास से भी जितने क्वेश्चंस होंगे आपके उस तरीके से क्वेश्चंस लेते आएंगे। तो बिहार की तैयारी के लिए व्यापक तौर पर आपकी एक जितनी भी आपके एक तरह से क्वेश्चन बन सकते हैं, जिस तरीके से आपके एग्जाम में आपकी तैयारी को हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से जोश मिलाकर के बूस्टअप करके आपको बिहार एग्जाम क्रैक करवाने के लिए हम लोग प्रतिबद्ध हैं। चैनल को ज्यादा से ज्यादा आप सब्सक्राइब करेंगे और ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करेंगे ताकि इस लेक्चर का या फिर हमारे और भी आने जो हम लोग निशुल्क के रूप में आपके बीपीएससी के लिए एग्जामिनेशन 7th फेज के लिए करके आने वाले हैं उससे ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ सकें और ज्यादा से ज्यादा लोगों से फायदा होगे। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं, फिर मैं आपको मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच।